केसीसी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर रजीब भारद्वाज ने कहा कि विभिन्न 50 कंपनियों की वजह से केसीसी बैंक का एनपीए बढ़ा है। हालांकि बैंक का जब उन्होंने कार्यभार संभाला था उसमें बैंक का एनपीए 933.21 करोड़ था, जिसमें पिछले 3 माह में कमी आई है और एनपीए 834.23 करोड़ तक पहुंचा है। आगामी महीनों में इसमें और कमी लाई जाएगी, इसके लिए बैंक प्रबंधन कार्य कर रहा है। केसीसी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि विभिन्न 50 कंपनियों की वजह से केसीसी बैंक का एनपीए बढ़ा है। हालांकि बैंक का जब उन्होंने कार्यभार संभाला था उस समय बैंक का एनपीए 933.21 करोड़ था, जिसमें पिछले 3 माह में कमी आई है और एनपीए 834.23 करोड़ तक पहुँचा है। आगामी महीनों में इसमें और कमी लाई जाएगी, इसके लिए बैंक प्रबंधन कार्य कर रहा है। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि कई बड़े बैंकों में 1000 करोड़ रुपए का एनपीए है, लेकिन हम इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। केसीसी बैंक ने लगभग 100 करोड़ रुपए का एनपीए कम किया गया है, जो कि बैंक की अभी तक की उपलब्धि मानी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक आयाम है, मंजिल अभी दूर है, लेकिन हमें विश्वास है कि बैंक एनपीए को शीघ्र कम कर लेगा। बैंक चेयरमैन ने कहा कि बैंक स्टाफ के लिए आज नई प्रतियोगिता योजना शुरू की गई है। हमारी स्केल 1 से लेकर स्केल 6 तक शाखाएं हैं, उसमें बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अलग अलग पैरामीटर सेट किए हैं। बैंक अधिकारी व कर्मचारी उन पैरामीटर को पूरा करते हैं तो बैंक शाखाओं के लिए अलग अलग राशि के पुरस्कार रखे गए हैं। प्रतियोगिता के तहत बैंक द्वारा कुल 11,98,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। इससे अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। बैंक का शताब्दी वर्ष चल रहा है, इस वर्ष में ग्राहकों के लिए जो योजनाएं लाई जा रही हैं वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगी। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि एक भव्य समारोह में इन योजनाओं को सीएम जयराम ठाकुर के कर कमलों द्वारा शुरू करवाया जाएगा, जिसके लिए सीएम को शीघ्र धर्मशाला बुलाया जाएगा। खास क्या है, ग्राहकों के लिए, ग्राहक हमारे लिए भगवान है और बैंक जब से चला है ग्राहकों के लिए ही कस्टमर ओरिएंटेड स्कीम्स ही हम लोग चलाते हैं। हम लोग इस पर बड़ी मजबूती से काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो शताब्दी वर्ष है इस वर्ष में हम ग्राहकों के लिए बहुत सी ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं जो एक अपने आप में आने वाले समय में माइलस्टोन साबित होंगी। लेकिन ये योजनाएं आज मैं आपके सामने इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्द यहाँ बुलाने वाले हैं और उनके हाथों से ये स्कीम जो है वो आपके सामने लॉन्च करेंगे। एनपीए कितने अमाउंट है सर और क्या टारगेट लिया है आपने उसको कंप्लीट करने का? एनपीए का जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया पहले भी, 933 point something जब हमने यहाँ संभाला था एनपीए था, लेकिन हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। और ये मैं आपको और भी कहना चाहता हूँ क्योंकि एनपीए की समस्या कोई केवल हमारे बैंक की समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरे देश की समस्या है। बड़े बड़े जो बैंक हैं उन बैंकों में कई कई 1000 करोड़ रुपए का एनपीए है, लेकिन हम इस बात से ये पल्ला नहीं झाड़ सकते। इसलिए जैसे हमने ये पद संभाला उस समय हमने सबसे पहले बैठकर ये निर्णय किया कि हम सब्सटेंशियल डिक्रीज करेंगे एनपीए में, तो 3 महीने का आंकड़ा जो था 933 करोड़ से कम होकर 834 करोड़ तक पहुंच गया है। करीब करीब हमने 100 करोड़ का एनपीए जो है वो कम किया है। ये अभी तक की हमारी उपलब्धि मानी जा सकती है, लेकिन ये केवल एक आयाम है, मंजिल बहुत दूर है और हम लोग बहुत जल्द इस विषय पर एनपीए के मामले में बहुत जल्दी कम करने वाले हैं, ये मैं आपको विश्वास दूंगा। सर, बैंक स्थापना वर्ष पर आप अपनी ब्रांचेस के बीच में किस तरह की प्रतियोगिता करवाने जा रहे हैं? शताब्दी वर्ष में हमने एक आज एक प्रतियोगिता लॉन्च की है आप सबके सामने। इसमें हमारी स्केल 1 to scale 6 ब्रांचेस हैं, उसमें हमने अलग अलग पैरामीटर सेट किए हैं अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए, ताकि वो अगर उन पैरामीटर्स को मीट आउट करते हैं तो उन पैरामीटर्स के आधार पर हमने स्केल वाइज 2,91,000, 2,75,000 ऐसे करके इनाम रखा है अपनी ब्रांचेस के लिए, ताकि अधिकारी कर्मचारी मोटिवेट भी हो सके। और उसमें सबसे बड़ा जो हमने पैरामीटर रखा है वो एनपीए का रखा है। जो अधिकारी इस और जोर से काम करेगा तो उसको हम सम्मानित भी करेंगे और इंसेंटिव भी देंगे, ये हमारे प्रबंधन ने निर्णय।
वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।